हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जानेंगे कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का, आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है, किस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होना है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में अवेलेबल कराई गई है। केवल आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी कर दीजिएगा शेयर, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम पहला सब्जेक्ट आपका देखते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, मतलब है आपका आप फर्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ने को मिल जाता है। ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आपको पता ही होगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर, वो आपका 70 नंबर का होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें आपके, तो वो सब्जेक्ट आपका है कैड, जिसका फुल नेम होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो यहाँ पर आपको कैड में कंप्यूटर एडेड ड्राइंग पढ़ना पड़ता है। वहीं मैकेनिकल की बात करें तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर ड्राइंग होता है, वहाँ पर डिज़ाइन होता है। तो बात करें आपका जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है कैड, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ना, इसका जो है आपका थ्योरी का पेपर नहीं होता है। ओनली ये जो सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिकल के लिए रखा गया है। केवल 60 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकल होता है। टोटल आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिलाकर ये 100 नंबर का हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें आपकी, तो जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आपका, वो आपका 50 नंबर का थ्योरी का पेपर इसमें होता है। पेपर जो सॉल्व करने का जो टाइम होता है आपका, वो होते हैं मिलते हैं आपको 2.5 घंटे, और इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका होगा 20 नंबर का। तो अप्लाइड मैकेनिक्स यहाँ पर आपका 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा। टोटल आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर 100 नंबर का इसका पेपर होता है। नेक्स्ट आपका बात करें सब्जेक्ट की, तो वो है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब ये जो सब्जेक्ट आपका ऐड हुआ था, जब आपके जो सब्जेक्ट चेंज हुए थे, तो तभी से अभी ये जल्दी में ऐड हुआ है। तो इस सब्जेक्ट का पढ़ने का मतलब क्या है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है कि आपको मैकेनिकल के बारे में उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के बारे में उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर में। यहाँ पर बात करें तो इसका जो 50 नंबर का थ्योरी का आपका एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल होना है इस सब्जेक्ट का, और जो है पेपर जो सॉल्व करने का टाइम 2.5 घंटे का होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो मार्क्स मिलाकर आपके होते हैं, वो आपके 100 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाता है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम BIT के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका BIT होता है, ये भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिलाकर ये आपका 100 नंबर का हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें जनरल वर्स ऑफ प्रैक्टिस सेकंड, तो ये सब्जेक्ट आपका ओनली प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर भी आपका जो है वो 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल बात करें आपके सब्जेक्ट की कि कितने के आपके थ्योरी के यहाँ पर पेपर होगा, तो यहाँ पर ओनली 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको यहाँ पर थ्योरी के पेपर देने होंगे। पहला आपका हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, दूसरा आपका जो है अप्लाइड मैकेनिक्स, और यहाँ पर तीसरा आपका है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के आपको थ्योरी के एग्ज़ाम देने होंगे। वहीं पर बात करें आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो हैं, यहाँ पर पहला आपका कैड हो गया, सेकंड आपका अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, थर्ड आपका हो गया बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर चौथा आपका हो गया
वो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा आपका हो गया यहाँ पर जनरल वर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस सेकंड। तो कुल मिलाकर आपके पांच सब्जेक्ट के यहाँ पर थ्योरी सॉरी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आया हो पसंद, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो देखने के लिए।